हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ मस्ट वॉच कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो हिंदी डब्ड में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि आप लोगों को कौन कौन सा ड्रामा देखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पूरा वीडियो देख लेना एंड तक। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है पॉइजेंट लव। एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है फैंगिंग की, जिसे एक अजीब डिसऑर्डर है जिसके वजह से जब भी वो शॉक होती है तो वो ज़ॉम्बीज स्टेट में चली जाती है। और उसके इस डिसऑर्डर का सिर्फ एक ही इलाज है, सच्चा प्यार। और उसके इस डिसऑर्डर की वजह से ही उसकी मुलाकात एक प्रोडक्शन कंपनी के CEO सीमैंग से होती है, जिसके अफेक्शन से पहली बार फैंगिंग कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है। और इसलिए फैंगिंग को लगने लगता है कि सीमैंग ही वो इंसान है जिसकी जरूरत उसे है। पर ज़ॉम्बीज स्टेट में रहने की वजह से फैंगयांग को सिर्फ उसका व्हाइट सूट याद रहता है। और क्योंकि उस दिन वहाँ पॉपुलर सिंगर और सीमैंग का राइवल सिबलिंग ब्रदर से भी सेम सूट पहनकर वहाँ मौजूद था, इसीलिए फैंगयांग को लगने लगता है कि सेई वो इंसान है जिसके अफेक्शन से फैंगयांग ठीक हुई थी। और इसलिए वो सेई की पर्सनल असिस्टेंट बनकर हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। पर एक कंफ्यूजन की वजह से वो सीमैंग की पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है। और अब इस कंफ्यूजन की वजह से इन तीनों के बीच लिटरली एक बहुत ही इंटेंस और एक्साइटिंग लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। तो अब क्या फैंगयांग इस कंफ्यूजन से भरे लव ट्रायंगल में अपने सच्चे प्यार को पहचान पाती या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द गार्डियंस। ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। एक इंक्रेडिबल एक्शन मासी थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 5 लोगों के ग्रुप की। इस ग्रुप के सभी लोग कोरिया के करप्टेड जस्टिस सिस्टम के विक्टिम हैं और इन सभी ने कुछ क्रिमिनल्स की वजह से अपने फैमिली, फ्रेंड और लविंग वन को खोया है। पर परेशान करने वाली बात यह है कि ये सभी क्रिमिनल्स अभी भी पैसे और पावर की वजह से सोसाइटी में फ्रीली घूम रहे हैं। और इसलिए अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेने के लिए ये 5 लोगों का ग्रुप ये फैसला करता है कि ये सब खुद ही ऐसे क्रिमिनल्स को सजा देंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो अब डिटेक्टिव, प्रोसिक्यूटर, हैकर और एक हाउसवाइफ की ये टीम कैसे कानून के आंखों में धूल झोंककर इन सभी क्रिमिनल से अपना बदला लेते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानियां चैनल पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है हेयर टू हार्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही इमोशनल बिजनेस रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा में पहले प्यार के अधूरे रह जाने के डेस्परेशन और दर्द को एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नान जियन और वेन नुआन की, जिन्हें एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार हो जाता है। पर इस गहरे प्यार की वजह से जब कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो इन दोनों को एक दूसरे को लेकर नफरत भी बहुत गहरी हो जाती है। और इस नफरत के चलते ये दोनों एक दूसरे से 10 साल के लिए सेपरेट हो गए थे। पर इन दोनों के दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी बाकी है। तो अब 10 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को एक दूसरे के कलीग के रूप में मिलाती है तो क्या इनके दिल में बचा हुआ प्यार इनके नफरत को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस स्वीट इमोशनल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है एंड द विनर इज लव। एक टॉप क्लास रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। इसे 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुएजी की, जो अभी भी चेंगवे पैलेस की मिस्ट्रेस बनी है। ये पैलेस हॉल ऑफ फेम वेंचर है मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। और सुएजी जब आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलती है तब उसकी मुलाकात होती है मून वाली मार्शल आर्ट का मास्टर चेंगरॉन से। और कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है। पर उसी दौरान चेंगवे पैलेस का सीक्रेट ट्रेजर लोटस गॉड 9 स्टांस टेक्निक का मैनुअल गायब हो जाता है। और क्योंकि सुएजी पहले से दूर थी, इसी वजह से इस मैनुअल का गायब होने का शक सुएजी पर चला जाता है और इसलिए उसके पीछे एसेसन छोड़ दिए जाते हैं। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस मैनुअल की टेक्निक से डिमोनिक पावर मिल सकती है और जिसने भी इस मैनुअल को चुराया है उसने पहले ही इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो अब सुएजी और चेंगरॉन कैसे इस इंसान को रोकते हैं और उसी दौरान उनकी लव स्टोरी में क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। मुझे लगा उसने गलती से मुझे गले लगा लिया, मगर नहीं, वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके मंजिल तक पहुंचा था। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरे दिल की धड़कनें उसके दिल से जुड़ी हुई हैं।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है माय लिटिल हैप्पीनेस। एक बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल ड्रामा है जिसमें फ्रेंड्स टू लवर वाली एक बहुत ही क्यूट और नॉटी लव स्टोरी है कोंगरोंग और टॉकिंग के बीच। कोंगरोंग जो एक लॉ इंटर्न है और उसे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपने फैमिली से छुपकर एक रेंट पर लिए रूम पर रहना पड़ता है। पर जब कोंगरोंग को अपना पहला केस मिलता है तो डिस्कवर करती है कि उसका पहला क्लाइंट लैंडलॉर्ड और नेबर तीनों एक ही इंसान है और वो है सर्जन शॉकिंग जो कोंगरोंग का चाइल्डहुड फ्रेंड भी होता है जिससे कोंगरोंग बहुत सालों बाद मिल रही होती है। जिसके बाद नेबर और क्लाइंट होने की वजह से इन दोनों को मोस्टली टाइम एक साथ बिताना पड़ता है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच स्लोली क्लोजनेस बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये क्लोजनेस एक ऐसी लव स्टोरी का रूप ले लेती है जिस लव स्टोरी में स्लो बर्निंग रोमांस है, क्यूट कपल केमिस्ट्री है, फनी और रोमांटिक मोमेंट है जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एक स्पेशल रोमांटिक वाइब फील कराएगी जिसे फील करके आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो फिर अगर आप कॉमेडी रोमांस से भरी इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट ओटीटी पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है द विंड ब्लोज। इस ड्रामा को सैन फ्रांसिस्को IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही स्वीट और इमोशनल रोमांटिक मेलो ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक मैरिड कपल दोहन और सुजिन की जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उस इंसान को दुखी नहीं देख सकते हो और इसलिए दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि दोहन अल्जाइमर से सफर करने लगता है जिसकी वजह से उसकी सभी मेमोरीज धीरे धीरे फेड होने लगती है। और वहीं दूसरे साइड सुजिन को दोहुन के साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना था जिस फैमिली में उनके प्यारे प्यारे दो बच्चे हों पर कुछ रीजंस की वजह से दोहुन फादर नहीं बन सकता है और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए थे। और अब पूरे 6 साल बाद किस्मत इन दोनों को दोबारा मिलाती है और क्योंकि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार अभी भी बचा रहता है इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों अपने इस रिलेशनशिप को एक और मौका देंगे। पर क्या सिर्फ प्यार काफी होगा इन दोनों के इस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। शायद आपको यकीन ना हो लेकिन इस कहानी में जो भी कुछ हुआ है वो मेरी ही आप बीती है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग इस कहानी की हकीकत पर उंगली उठाएंगे। हमारी 4 नंबर पर ड्रामा है नार्को सेंट। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक प्रॉपर मास्टरपीस सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। इस ड्रामा में लाइफ थ्रेटनिंग स्टोरी दिखाई गई है एक सेल्फ मेड बिजनेस टाइकून कैंगिन गु की जो गवर्नमेंट के फोर्स करने पे उनके साथ एक बहुत ही डेंजरस मिशन पे जुड़ जाता है जो है कोरिया के सबसे बड़े और खतरनाक ड्रग लॉर्ड जियो हुआन को पकड़ना। ये कैसी ड्रामा है इसे आप एक्चुअल में मास्टरपीस ड्रामा बोल सकते हो क्योंकि ये ड्रामा इंटरेस्टिंग प्लॉट, ऑसम माइंड गेम, इंटेंस सस्पेंस और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट भरी हुई है और इसलिए सभी चीजें आपको थ्रू आउट द ड्रामा एच पर रखेगी। और इसलिए नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये ड्रामा क्राइम थ्रिलर कोरियन ड्रामा लवर के लिए एक वर्थ वॉचिंग ऑप्शन है। हमारी 3 नंबर पे ड्रामा है ब्लडी हार्ट। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में आपको एक हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी के साथ बहुत से स्ट्रेटजी और मास्टरमाइंड प्लॉटिंग वाली एक मास्टरपीस स्टोरी लाइन मिलेगी और इसलिए अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे पॉलिटिक्स और प्लॉटिंग पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा होगा। इसका प्लॉट सेट है एक फिक्शनल वर्ल्ड में जहाँ स्टोरी दिखाई गई है प्रिंस ली ते की जो अपने फादर को सक्सीड करने के बाद डायनेस्टी का नया किंग बन जाता है और किंग बनने के बाद वो पावर के लिए ऑफसेट हो जाता है और इसलिए वो पूरे डायनेस्टी में एब्सोल्यूट मोनार्ची क्रिएट कराना चाहता है। पर कंट्री का सबसे पावरफुल पर्सन है गेइवॉन जिसने ली तेई के फादर को भी किंग बनने में असिस्ट किया था और वो ली तेई की इस मोनार्ची पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट है और इसी वजह से पावर और पॉलिटिक्स के इस गेम में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो फिर आगे क्या होता है इस ड्रामा में ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। वेलकम सिंगल्स। इन्फर्नो दूर बसा सुनसान आइलैंड है जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना के बराबर है। यहाँ आपका इकलौता हथियार है आपका आकर्षण, इसका इस्तेमाल कीजिए किसी को लुभाने के लिए। हमारी 2 नंबर पर एक कोरियन डेटिंग रियलिटी शो है जिसका नाम है सिंगल इन्फर्नो। इस शो को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। इस रियलिटी शो में 5 हैंडसम कोरियन लड़के और 4 ब्यूटीफुल और हॉट कोरियन लड़कियां एक आइसलैंड पे जाएंगे जहां उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई भी सोर्स नहीं होगा सिर्फ उन्हें अपने अफेक्शन से अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करके और उनके साथ डेट्स पर जाकर उनके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड डेवलप करना होगा। और कोई भी एक साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाकर उस टास्क को पूरा करके विनर बनेगा तो उस कपल को पैराडाइज एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये शो स्पिरिट विला का कोरियन वर्जन है जिसे देखना है कि नहीं ये आपकी मर्जी है। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इस रियलिटी शो में 70 मिनट के 8 एपिसोड देखने मिलेंगे और आप इस रियलिटी शो को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है अ लव सो लास्ट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एक सच्चे प्यार के मतलब को एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी के साथ दिखाई गई है। वैसे तो ये ड्रामा इतना ज्यादा पॉपुलर और अच्छी है कि इस ड्रामा को 8.6 जैसे इनक्रेडिबल IMDb रेटिंग मिली है। और ये ड्रामा ऑन पेपर आपको एक एवरेज सी ड्रामा लगेगी और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस ड्रामा को इसके सिनॉप्सिस के बेस पर जज मत करना, क्योंकि ये ड्रामा एक ऐसी मस्ट वॉच ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड्रा की, जो कि स्ट्रांग विल वाली लड़की है, पर उसके फियोंसे की चीटिंग ने उसके दिल में इंटरनल पेन डेवलप कर दिया है। और दूसरी साइड स्टोरी दिखाई गई है सीओ एंटोन की, जो 3 बच्चों का सिंगल फादर है और उसका दिल भी प्यार की वजह से बहुत हर्ट हुआ है। तो अब क्या ये दो इमोशनली डैमेज लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे इन्हें प्यार होता है और उसी दौरान इस ड्रामा में क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट और सिंपल ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 रोमांटिक बॉस एंड एम्प्लॉई कोरियन ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पर दो वीडियोज हो रही है, आप इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो।